सो राधे राधे मेरी YouTube फैमिली, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब एकदम भले चंगे, एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मैं हूँ पूजा और पूजा पवार के स्वादिष्ट व्यंजन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक और रेसिपी वीडियो लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, और अभी तक आपने हमारे चैनल पर, आप नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला आलू बैंगन। तो हमने इस तरीके से, हमने लिए 250 ग्राम बैंगन, इस तरीके से हमने कट कर लिया है। ये हमने लिए 4 मीडियम साइज़ के आलू, इस तरीके से हमने छील के कट कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे, वो सॉरी प्योरी बनाएंगे। 4 प्याज लिए हमने मीडियम साइज़ की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, 4 से 5 कली लहसुन के लिए, इनका हम पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए हम आपको इनका पेस्ट बनाकर फिर हम आपको बताते हैं। ये प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट बन के रेडी है। ये हमने टमाटर की प्यूरी बना ली है। जी हमारे पास सूखे मसाले हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, स्वाद अनुसार नमक। इनको हम बैंगन में फिल करेंगे, बताते हैं आपको। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। जो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब इसको हम बैंगन में फिल करेंगे। इस तरीके से हमने सारे बैंगनों को फिल कर लिया है। अब हम आपको ग्रेवी बनाना बताते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये हमने लिया 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी दाना। सौंफ और मेथी दाना हो चुका है, अभी अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं। ये टमाटर प्यूरी, इसे भी हम ऑयल सेपरेट होने तक पकाएंगे। ऑयल सेपरेट हो चुका है, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। ध्यान से डालें क्योंकि हमने मसालों में, जो बैंगन में मसाले फिल करे हैं उसमें भी हमने नमक डाला है, तो इसलिए देखकर ध्यान से डालें। मिक्स कर लेंगे हम इसी तरह से, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है ग्रेवी में। सब हम इसमें डाल देंगे पानी, इसे हम पकने देंगे अभी ऑयल सेपरेट होने तक। थोड़ा पानी और ऐड करेंगे हम, और इस ग्रेवी को हम पकने देंगे अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए। हमारा मसाला अच्छे से पक रहा है ग्रेवी, अब हम इसमें डाल देंगे ये कसूरी मेथी क्रश करके। हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है, पक चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारे बैंगन। बैंगन डाल देंगे हम इसमें सारे, और जो हमने आलू कट करके रखे थे वो भी हम इसी में डाल देंगे। ये जो आलू है ये भी हम इसी में डाल देंगे। मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से हम। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढककर कुक करेंगे। अब हम इसे ढककर कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए, 20 मिनट बाद चेक करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं हमारे बैंगन को। कितना अच्छा कलर आया है हमारी सब्ज़ी का, हमारी सब्ज़ी बनके रेडी है। इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच एवरेस्ट का गरम मसाला, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, और उसमें डाल देंगे हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ,
हमारे मसाला बैंगन आलू बन के रेडी हैं, आपको हम सर्व करके बताते हैं। गैस को कर देते हैं बंद, इस बाउल में निकाल लेते हैं हम। हमारे मसाला बैंगन आलू बनके रेडी हैं। अगर आपको हमारे मसाला बैंगन आलू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ये टेम्प्टिंग से मसाला बैंगन आलू देख कर आया ना आपके मुँह में पानी, तो जल्दी से बनाइए, खाइए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ हमारी ये रेसिपी शेयर कीजिए। तो हम तो चले गर्मा गर्म बैंगन आलू मसाले वाले इन्जॉय करने फैमिली के साथ। रोटी के साथ खाओ, पराठा पूड़ी किसी के भी साथ खाओ, काफ़ी यम्मी टेस्टी लगते हैं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी वीडियो लेके, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए, और वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप लोग।